अब देखते हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स की पूरी एबीसीडी मेरे साथी अतुल द्विवेदी के साथ। ट्रेंडिंग न्यू एज मीडिया यानी सोशल मीडिया की दुनिया में ये शब्द हमारी लाइफ और लाइफस्टाइल में घुल मिल सा गया है। कभी ये ट्रेंड, कभी वो ट्रेंड, #X, #Y, #Z। आपने भी गौर तो किया ही होगा और कभी ना कभी ट्रेंडिंग के ट्रेंड को फॉलो भी किया होगा। लेकिन ये #, ट्रेंड आखिर है क्या? कोई टॉपिक आखिर कैसे ट्रेंड करता है? मेरे साथ बने रहिए वीडियो के आखिर तक, आपको बताऊंगा इसके पीछे की पूरी ABCD। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर सोशल मीडिया की दुनिया में हम और ये पूरी दुनिया आखिर कहाँ खड़ी है। दुनिया में सोशल मीडिया के करीब 4.95 अरब यूजर्स हैं, जो दुनिया की आबादी का 61.4% है। अकेले भारत में लगभग 821 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। साल 2022 में भारत में लगभग 470.1 मिलियन एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स थे। ये देश की आबादी का करीब 33.4% था। साल 2023 तक भारत में सोशल मीडिया यूजरों की संख्या करीब 447 मिलियन से ज्यादा हो गई। साल 2024 में ये आंकड़ा 450 मिलियन से भी ज्यादा पहुंचने का अनुमान है। यानी सोशल मीडिया के इस्तेमाल में हम किसी से भी पीछे नहीं हैं। तो ऐसे में जाहिर है सबके मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि सोशल मीडिया साइट्स पर कोई टॉपिक ट्रेंड कैसे होता है। वैसे तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स, जिसे कभी हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, इसके समेत दर्जनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर पल कोई ना कोई टॉपिक ट्रेंड होता रहता है। लेकिन ग्लोबली सबसे ज्यादा टॉपिक एक्स पर ट्रेंड कराए जाते हैं। एक्स का इस्तेमाल दुनिया भर में अरबों लोग करते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के बड़े से बड़े नेता से लेकर सेलिब्रिटी तक, रईस जादू से लेकर आम आदमी तक, हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। आमतौर पर ये प्लेटफॉर्म दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने का जरिया है। आप अक्सर देखते होंगे कि एक्स पर कोई भी टॉपिक या हैशटैग कुछ ही समय में ट्रेंड करने लगता है। देखते ही देखते कोई मुद्दा, घटना या व्यक्ति से संबंधित हैशटैग कुछ ही समय में एक्स पर टॉप ट्रेंड में आ जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एक्स ट्रेंड क्या है। एक्स ट्रेंड किसी खास समय पर सबसे ज्यादा चर्चित टॉपिक्स या हैशटैग को दर्शाते हैं। ये ट्रेंड्स देश या दुनिया के किसी भी हिस्से के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अब बात करते हैं एक्स ट्रेंड कैसे बनता है। इसके कई तरीके या कहें कई ट्रिक्स हैं, जैसे कि हैशटैग का इस्तेमाल। जब बहुत सारे लोग किसी खास विषय से जुड़े एक ही हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं तो वो हैशटैग ट्रेंड करने लगता है, जिसे ट्रेंडिंग हैशटैग कहते हैं। दूसरा है ट्वीट्स की संख्या। किसी टॉपिक पर एक ही समय में जितने ज्यादा लोग ट्वीट करेंगे उतनी ही तेजी से ट्रेंड करेगा। लेकिन ट्रेंड वायरल हो इसके लिए रिपोस्ट और कोट्स रिपोस्ट भी किए जाते हैं, जिसमें संबंधित हैशटैग अनिवार्य रूप से यूज किया जाता है। तीसरा है ट्विटर का एल्गोरिदम। एक्स का एल्गोरिदम तय करता है कि कौन सा टॉपिक ट्रेंड करेगा। ये एल्गोरिदम कई पॉइंट्स को ध्यान में रखता है, जैसे कि पोस्ट की संख्या और टाइमिंग, हैशटैग्स का कितना और किस तरह से इस्तेमाल हुआ, यूजर आईडी, यूजर लोकेशन वगैरह वगैरह। अब ट्रेंडिंग टॉपिक के फायदे या मकसद क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। वैसे तो सबसे अहम फायदा या मकसद है अवेयरनेस बढ़ाना। किसी मुद्दे को ट्रेंड करने से उसके बारे में एक साथ एक ही वक्त पर बड़े जनसमूह को जागरूक किया जा सकता है, ताकि कम से कम समय से ज्यादा लोग संबंधित मुद्दे के बारे में जान सकें। अक्सर किसी प्रोडक्ट, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का प्रचार प्रसार करने के लिए भी हैशटैग ट्रेंड कराया जाता है। अगर कोई खास मुद्दा ट्रेंड कर रहा है तो दुनिया भर के लोगों का ध्यान उस पर आसानी से आकर्षित हो जाता है। इसके अलावा किसी बात का विरोध करने या आवाज उठाने के लिए भी टॉपिक ट्रेंड कराए जाते हैं और दुनिया के सामने सहजता से अपनी बात रख सकते हैं। और ट्रोलिंग और फेक न्यूज के लिए तो सोशल मीडिया वैसे ही विख्यात है। यानी कोई लिमिट नहीं, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, कमर्शियल हो या पॉलिटिकल, काम की हो या बेकाम की, अपनी हो या दूसरे की, कभी भी कोई भी टॉपिक एक्स पर ट्रेंड हो सकता है, जिसके अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। यूजर्स का इंटेंशन तय करता है कि ट्रेंड फॉलो करने लायक है या नहीं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।